अंबड शहरातील डोंगराळ भागात मौलानी दर्गाजवळ एका अनोळखी युवकाचा गळा चिरून आरोपी फरार झाल्याची घटना घडली आहे. जालना जिल्ह्यातील अंबड या ठिकाणी ही घटना घडली. या अनोळखी तरुणाचा अज्ञात आरोपीने गळा चिरून हत्या करण्याचा प्रयत्न केला. या मौलानी दर्गेजवळील व्यक्तीने या तरुणास गळा चिरलेल्या अवस्थेत पाहून त्याच्या मित्राला फोन लावून लगेच मौलाना दर्गाजवळ धाव घेतली. तरुणास अंबड येथील शासकीय रुग्णालयामध्ये दाखल केलं. त्याची प्रकृती गंभीर असल्यानं त्यास जालना या ठिकाणी शासकीय रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आलं. परंतु त्याची तब्येत जास्तच खालावत चालल्यानं त्यास जखमी अवस्थेत पुढील उपचारासाठी औरंगाबाद घाटी रुग्णालयामध्ये हलवण्यात आलं अशी माहिती जखमीचा मित्र शेख असलम यांनी दिली आहे. सर असल में क्या हुआ, मैं अंबड़ में था, मुझे एक दोस्त का फोन आया क्या, मैं बोले यहाँ पे हमारे एक मौलानी बोल के दरगाह है पहाड़ के ऊपर, तो वहाँ पे ये बंदा वहाँ पे उसका गला कटे हुआ मिलने वाला था. तो फिर मुझे जस्ट फोन आया तो मैं वहाँ पे गया, तो वो बच्चे को देखा मैंने, उसकी हालत बहुत खराब थी. तो वहाँ से हमने उसको डायरेक्ट एम्बुलेंस में डाले, बच्चों ने उठा के हमारे, और चाटे सर थे वहाँ पे पी आए बोल के, तो उन्होंने हमको सबको बुला के वहाँ पे हमको एम्बुलेंस में डालने को लगाया. फिर हमने हमारे सिविल में लेकर आए, अंबड़ सिविल में. तो वहाँ पे सिविल में उनको बताया कि वो गला वगैरह कटा लाए, कि ऑपरेशन वगैरह करना पड़ेगा. तो वहाँ से हम यहाँ पे जालना हॉस्पिटल में लेकर आए. कब पहुँचा पे? क्या बोले सर? कब पहुँचा पे? यहाँ पे हम पहुँचे 1:30 बजे सर, 1:15 बजे यहाँ पे हमने टच हो गए थे सर. तो यहाँ पे हम 1.5 घंटे से रुके आए 108 के लिए. तो यहाँ पे कुछ 108 को जा ही नहीं सर, इतनी कंडीशन अभी क्रिटिकल है सामने लिखी. तो अब उसको हम औरंगाबाद लेकर जाना है. अब वो बच्चा कौन है क्या है, उसके हाथ से सिर्फ बिच्छू उतरा है सर. प्रतिनिधि ओम प्रकाश उड़ान, न्यूज़ टुडे 24, जालना.